वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे आप देख रहे, आप इंटरेस्टेड हो पोजिशनल स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, तो देख रहे कि आप लोगों को 2 महीने में एक आध बार कॉल मिलेगा, 1 महीने या 2 महीने में कॉल मिलेंगे तकरीबन। देखोगे तो मीन्स विन रेशियो जो है 95+ एक्यूरेसी यहाँ पे आप देख रहे। इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में देख रहे कि आप लोगों को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो इंटरेस्टेड हो तो। देख सकते कि अच्छी यहाँ पे एक्यूरेसी देता है स्टॉक, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो फ्यूचर रिटेल का यहाँ पे देख सकते कि न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे तो फिर से अपर सर्किट लगना चालू हो चुका है। पर यहाँ पे देख सकते कि फ्यूचर रिटेल शेयर वाइप्स 99% इन्वेस्टमेंट मनी 1 लाख डिक्रीज टू 614। तो देख सकते कि एक देखा जाए तो कोई खास अपडेट नहीं है रिगार्डिंग यहाँ पे फ्यूचर रिटेल स्टॉक। बड़े यहाँ पे आप देख सकते कि फ्यूचर रिटेल के हम लोग फंडामेंटल भी चेक करेंगे और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट कोई लेटेस्ट अपडेट आया क्या उसके ऊपर नजर डालेंगे। 8 दिसंबर के यहाँ पे आप देख सकते कि उसके बाद कोई लेटेस्ट अपडेट तो सामने नहीं आया है। पर यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के जो इंपॉर्टेंट चीजें है जैसे कि बैलेंस शीट के वो और बाकी के चीजें उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, फोकस करेंगे। मार्केट कैप 206 करोड़ का है। फिर आप इंपॉर्टेंट स्टॉक का पी नहीं है, बुक वैल्यू देखोगे तो 20 रुपीज माइनस में है, डिविडेंड नहीं है। आरओसी देख सकते -13.7 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 134 -134 का है और फेस वैल्यू ₹2 का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है 13,811 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट जो है देख सकते कंपनी का 4,445 करोड़, लॉस में कंपनी ईपीएस -82 का है। रिटर्न ओवर 1 ईयर की बात की जाए तो कंपनी को 92% से ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। प्रॉफिट ग्रोथ में 74% की गिरावट है और सेल्स ग्रोथ में 1.87% की गिरावट देखने को मिले। इन्वेस्टमेंट भी 114 करोड़ की है, टोटल एसेट 17,600 करोड़ का है। फिर आप इक्विटी कैपिटल 108 करोड़ है। फिर इम्पोर्टेंटली प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, उसमें भी शेयर्स प्लेज है। तो रिसेंटली देख सकते कि लॉन्ग यहाँ पे बहुत ही बॉटम पे यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है फ्यूचर रिटेल स्टॉक। पॉजिटिव चीज एक भी नहीं है पर नेगेटिव चीजें बहुत सारे जिसके ऊपर आप लोग भी नजर डाल सकते हो। यहाँ पे पूरे के पूरे जो चीजें हैं नेगेटिव चीजें, प्रमोटर्स होल्डिंग कम है पहली बात, तो उसमें भी शेयर्स प्लेज है। फिर पुअर सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में है, वर्किंग कैपिटल भी और ज्यादा देखने को मिला है और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स से नजर डाल सकते हो। वीडियो पॉज करके क्वार्टरली नतीजे के ऊपर नजर डाल सकते हो। 2020 से कंपनी लॉस में जाती हुई नजर आ चुके, उसके पहले कंपनी को थोड़ा अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा। पीएनएल स्टेटमेंट देखा जाए फिर पिछले 8-10 सालों का तो देख सकते हैं कि तकरीबन कंपनी प्रॉफिट में आई थी पर मार्च 2021 में कंपनी फिर से लॉस में चली गई और टीटीएम के हिसाब से देखा जाए तो रिसेंट ईयर में भी कंपनी लॉस में है। बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि तकरीबन कंपनी के जो शेयर कैपिटल है 108 करोड़ के है, रिजर्व शेयर सेप्टेम्बर क्वार्टर में माइनस में चले गए। बोरोइंग जो है यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, 13,800 करोड़ पे चली गई। 11 नंबर मीन बोरोइंग की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, ट्रेडिंग बंद थी पर रिसेंटली देखा जाए तो बोरोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सेप्टेम्बर क्वार्टर में, तो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते कि वर्क इन प्रोग्रेस 77 करोड़ का है। फिर बाकी के जो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज जो है 6,033 करोड़ के है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि फ्यूचर रिटेल के लिए यहाँ पे कोई लेटेस्ट अपडेट सामने नहीं आए।